गरजती लहरों में गोता लगाती बस की ऐसी हाहाकारी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आपने कभी पहले सड़क पर दौड़ती बस को इस तरह नदी में जल समाधि लेते हुए कभी नहीं देखा होगा। ये जानकर आपकी धड़कनें और तेज हो जाएंगी कि नदी में फंसी इस बस में करीब 50 यात्री सवार हैं। इन यात्रियों की हालत का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आखिर यहां ऐसा क्या हुआ कि सड़क पर दौड़ने वाली बस नदी में जा गिरी और बस में सवार यात्रियों की जान मुश्किल में आ गई? क्या बस में सवार यात्री बच गए या फिर विनाशकारी लहरें सभी यात्रियों की जिंदगी लील गईं? तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां जाबरा से असावती जाने के रास्ते में एक पुलिया उफनती नदी की लहरों में लापता हो चुकी थी। पुलिया के ऊपर रौद्रकारी लहरें उफान भर रही थी। इन लहरों से टक्कर लेकर पुलिया पर आगे बढ़ पाना आसान नहीं था, लेकिन खतरे की परवाह न करते हुए बस ड्राइवर ने खतरनाक लहरों के बीच बस को आगे बढ़ा दिया। नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। पुलिया पर आते ही लहरों के जोर के आगे बस बेदम हो गई और नदी में जा गिरी। बस की नदी में गिरते ही इसमें सवार 50 यात्रियों की जान मुश्किल में आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी देखकर बस में सवार लोगों की सांसें अटक गई। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और करीब सैकड़ों लोगों ने नदी में उतरकर किसी तरह बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। बस के दरवाजे खिड़की के जरिए यात्रियों को कंधे पर बिठाकर बस से बाहर निकाला गया और सभी को सही सलामत बचा लिया गया। मध्य प्रदेश में जहां रास्ते हैं वो बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों को नदी में जुगाड़ की नाव पर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है, जहां ये जुगाड़ की नाव कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकती है।